आयुष्मान भारत से लाडली लक्ष्मी तक मध्य प्रदेश में 47 विभागों की 125 योजनाएं ठप। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय संकट के चलते 47 विभागों की 125 योजनाओं की फीडिंग रोक दी है, जिनमें लाडली लक्ष्मी, पीएम जन आरोग्य और महाकाल विकास जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। बजट पेश करने के बाद वित्त विभाग ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं के लिए फंड बिना उसकी अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। लाडली लक्ष्मी, पीएम जन आरोग्य और महाकाल विकास समेत 47 विभागों की 125 योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार ने रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में राज्य के बजट के बाद वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि इन योजनाओं के लिए पैसा उसकी अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। यही वजह है कि लाडली लक्ष्मी और 124 अन्य योजनाओं का फंड रुका हुआ है। बजट पेश करने के एक हफ्ते बाद 10 जुलाई को एमपी सरकार ने राज्य के लिए एक जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन अब राम बन गमन पथ, मंत्रियों के बंगलों का नवीनकरण और तीर्थ यात्रा योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं के लिए धन रोकने का फैसला किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को फंड होल्ड सूची में डाली गई परियोजनाओं के मामले में सबसे बड़ी मार पड़ी है। इसके बाद शहरी विकास और आवास विभाग, किसान कल्याण और कृषि विभाग का स्थान है। वित्त विभाग की ओर से 23 जुलाई को जारी निर्देश के मुताबिक लोक स्वास्थ्य और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी राशि बिना मंजूरी के नहीं निकाली जा सकेगी। वित्त विभाग के अधिकारी इस सख्ती के बारे में बताने में विफल रहे। एक अधिकारी ने इतना ही कहा, धन का उपयोग संसाधनों की उपलब्धता और सरकार की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। यह तर्क देते हुए ऐसे निर्देश आमतौर पर बजट के बाद जारी किए जाते हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि धन निकासी से पहले वित्त की अनुमति लेने का मतलब यह नहीं है कि योजना बंद हो गई है, लेकिन इससे कई विभागों को योजनाओं के लिए वित्त विभाग से संपर्क करने में परेशानी होगी। सरकार की प्रमुख वित्त जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना भी शामिल है, जिस पर हर महीने करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी और इसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर भी बताया गया था। इस योजना के लिए अभी तक धन की कोई बाधा नहीं आई।